बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलामु अलैकुम जी, कैसे हैं आप सब? मेरी दुआ है कि आप सब जहां भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। जो भी कोई परेशान है, अल्लाह पाक उनकी परेशानियों को दूर फरमाए, और हमारे जितने भी देखने वाले बे औलाद हैं, अल्लाह पाक सब को औलाद दे, आमीन सुम आमीन। तो इसी नेक दुआ के साथ आज के व्लॉग का करते हैं आगाज़। तो आज हमारा जो है तय खाना, उसके सेन को हम कूट रहे हैं, अच्छी तरीके से बराबर कर रहे हैं। पहले मुनीर भाई ने मिट्टी इधर डालकर थोड़ा सा बराबर किया है, अब अम्मी जी और मैं डंडों के साथ इसको बराबर कर रहे हैं, क्योंकि ये मिट्टी वाला काम बड़ा मुश्किल होता है। एक बंदे का तो काम है नहीं, सारे मिलकर करें तो फिर जो है ना जल्दी ख़त्म होता है। अभी इधर से हमने सारा कर लिया है, इधर से आप सब देखें सही लग रहा है ना, और ये वाली साइड रहती है, उधर तो सारी मिट्टी पड़ी हुई है, उधर सही नहीं करेंगे। इधर इधर मतलब चार पाइयाँ डाल लेता है, इसीलिए हमने कहा इधर से थोड़ा सा बराबर कर लेते हैं। और धूप भी बहुत ज़्यादा है, धूप आ गई, लेकिन आज साथ में हवा चली हुई है, दूसरे इलाकों में बारिशें शुरू हो गई हैं, तो हमारे इलाके में ज़्यादा बारिश तो नहीं होती, लेकिन ये होता है कि अगर दूसरे इलाकों में बारिशें हो रही हों तो हमारे पास थोड़ा सा ठंडा मौसम बन जाता है, हवा चली होती है। तो अभी हवा चली हुई है तो हमने कहा साथ साथ अपना काम भी हम कर लें, अम्मी जी भी कर देंगे अपना काम। अस्सलाम वालेकुम मेरे दिया पुत्रा, मेरे बहना बिरामाओ, साडे वेखण वालिया, अल्लाह पाक तुहानू ही सुख दे दे ते सानू भी दे, ते असी आ मिट्टी इको जी चौतरे तू करदे पए है, इस तरह भई इको जा सन होवे तो हर शय मजबूत रखी जाती, उच्चा नीवा सन होवे तो वह कोई शय डिग पी कोई सही रखी, वास्ते मंजिया मुंजिया सही पाए जा सन, इको जा करते पाया तो दिल बट्टा कुटते पे। काफ़ी दिन हो गए हैं, हमारा घर जाना बिखरा बिखरा सा लगता है, कोई चीज़ें किधर पड़ी हुई हैं कोई किधर पड़ी हुई हैं, तो हमें भी बहुत बुरा लगता है, हमें सही नहीं लगता भी घर कैसा हमारा अजीब सा हो गया। बस वो हमारे रिश्तेदारों की फौतकी हो गई थी, तीन दिन हम उधर गए रहे, फिर हमारे घर में मेहमान आते रहे, इस वजह से मिस्त्री नहीं आया, और आज फिर मिस्त्री नहीं आया, वो इस वजह से कि हमारा पंप ख़राब हो गया है, पानी नहीं है हमारे घर में, तो आज पंप ठीक करने वाला मिस्त्री आया हुआ है भाई, वो सही करवा रहे हैं, वो आज सही हो जाएगा तो इंशाल्लाह फिर कल से हमारा मिस्त्री भी आ जाएगा। तो हमने कहा जब तक मिस्त्री नहीं आता तब तक जो हमारे काम है वो हम निपटा लें। ये मिट्टी वाला काम हमारा था, ये हम कर लेते हैं, और ये मिट्टी इसीलिए पड़ी है कि उधर सारी पड़ी हैं ईंटें, वो हमने बैठक बनाने के लिए रखी हुई हैं, जब बैठक हमारी मुकम्मल हो जाएगी ईंटें हम उधर से उठा लेंगे तो फिर ये सारी मिट्टी उधर कर देंगे और फिर इधर की जगह भी सारी बराबर हो जाएगी। अभी हमारी ड्यूटी ख़त्म हो गई है और मुनीर भाई की लग गई है, हमने अपनी सारी जगह बराबर कर ली है, ये अभी आप सब देखें यहाँ से बिल्कुल बराबर हो गई है, और अब जहाँ मिट्टी थोड़ी सी कम है उधर और डाल कर देंगे, फिर हम बराबर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, इनकी ड्यूटी ख़त्म नहीं हुई, इनका काम मैं, इनके हिस्से का मैं कर रहा हूँ। नहीं, ये आपका काम है मिट्टी डाल के देना, फिर उसको बराबर सही तरीके से करना, वो हमारा काम है। मिसाल के तौर पर मैं मिस्त्री हूँ, ये मेरे मजदूर हैं। चलो कोई बात नहीं, ऐसे समझ लो घर का काम है, कौन मिस्त्री और कौन मजदूर। और अभी जगह सही लग रही है बिल्कुल, पहले तो हमारा सेन ऐसा टूटा फूटा सा लग रहा था, कहीं से नीचे था कहीं से ऊपर था, लेकिन अब बिल्कुल सही लग रहा है। और ये इधर थी हमारी तीन सीढ़ियाँ, लेकिन अब सिर्फ दो बच गई हैं, वो इसलिए कि एक ये मिट्टी के नीचे आ गई है, इसको इधर से बराबर कर देते हैं, और ये जो सीढ़ियों के ऊपर मिट्टी है इसको भी हटा देते हैं, ताकि सीढ़ियाँ जो ना साफ़ हो जाएं और हम आसानी से ऊपर से गुज़र जाएं। यहाँ की जब सारी लिपाई हो जाएगी ना, फिर जाके हमारा सीन बहुत ही प्यारा लगेगा, अभी तो बहुत सारा काम रहता है, बस दुआ है कि ईद के आने से पहले पहले हमारा काम ख़त्म हो जाए। अभी फातिमा मेरे लिए कुछ लेकर आई है, क्या लेकर आई हो हैं बोलो, चलो पहले आंटी को सलाम करो। आंटी सलाम, आपके लिए, आपके लिए। फातिमा कहती है आप ही अपना काम ख़त्म कर लो फिर आपको मैं चीज़ खिलाऊंगी। काम ख़त्म हो गया है, अभी मैं हाथ धोकर आती हूँ, फिर मुझे पापड़ देने हैं, ठीक है?
ठीक है फिर। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे जी। फातिमा और अम्मी जा रहे हैं जी, किधर जा रहे हैं? कपड़े धोने, टूवल पे कपड़े धोने जा रहे हैं जी। तो मैंने ना लिया, मैंने कपड़े अपने पुराने वाले उतार के दे दिए इनको, ये लेके जा रहे हैं टूवल पे धोने के लिए। तो फातिमा मेरे कपड़े धोएगी, धोएगी ना? मेरे कपड़े आपने धोने, अम्मी ने नहीं धोने, ठीक है? अम्मी ने नहीं धोने, मेरे धोगी उधर बस। अम्मी आधे धो, मैं पहले धो, मैं आधे धोता। अच्छा, मेरे भी धोएगी और अम्मी के भी धोएगी कपड़े। चलो आज मैं देखूंगा किस तरह कपड़े धोती हो, ठीक है? चलो, फातिमा कह रही जी आज मैं आपके कपड़े धोऊंगी। अभी फातिमा और अम्मी जी की तैयारी हो गई है ट्यूबवेल पर जाने के लिए, क्योंकि हमारे घर में तो पानी नहीं है, तो कपड़े भी धोने वाले हो गए थे। सुबह से आ जाना मिस्त्री, फिर टाइम नहीं मिलेगा, इसीलिए अम्मी जी ने कहा है तुम बाकी घर के काम कर लेना, मैं कपड़े धोकर आती हूँ, ठीक है? तू घर का काम कर ला, मैं कपड़े धोती ले आवा, बा टूवल ते अपने घरे तो पोत्र पानी कोई नहीं। सही, और फातिमा ने भी उठा लिया है रंडा, दुपट्टा भी कर लिया। चलो भाई, उतारना नहीं है, धूप है, सही है, जाओ। अभी हो गया बिल्कुल दोपहर का टाइम और हम आकर इधर छांव में बैठ गए, काम से हम थक गए, हमने कहा थोड़ी देर आराम कर लें, उसके बाद फिर अपना काम दोबारा से शुरू करेंगे। और अभी जो हमारे देखने वालों के कमेंट हैं वो आप सबके साथ शेयर करते हैं। तो सबसे पहले हमारी सिस्टर है सारा, वो कह रही हैं दुआ करें अल्लाह पाक हमें अपना घर दे। उसके बाद हमारे भाई अबू बकर शहजाद चकवाल से, उसके बाद है मरियम सिस्टर, हुमा सिस्टर, माजबीन और फराह मुबीन, अल्लाह पाक इन्हें औलाद से नवाजे। उसके बाद एक और सिस्टर है, वो कह रही हैं दुआ करना मेरा रिजल्ट अच्छा आए। उसके बाद है शकीला सिस्टर जम्मू कश्मीर से, वो कह रही है मेरी फैमिली के लिए दुआ करना। उसके बाद है उसामा कुरैशी, हमारी सिस्टर हैं या भाई हैं, वो कह रहे हैं दुआ करना अल्लाह हमें अपना घर दे। उसके बाद एक और सिस्टर है, वो कह रही है दुआ करना अल्लाह मुझे औलाद दे। उसके बाद है फरजाना इस्लामाबाद से, वो कह रही हैं मेरी फैमिली के लिए दुआ करना अल्लाह पाक सलामत रखे और खुश रखे। उसके बाद एक और सिस्टर है, वो कह रही है मेरे लिए भी दुआ करना। उसके बाद हमारे भाई हैं अमजद नवीद, वो कह रहे हैं मैंने दफ्तर में नाम दिया है उम्रे के लिए, दुआ करना मेरे लिए। उसके बाद एक और सिस्टर है अनम इस्लामाबाद से, वो कह रही है दुआ करना अल्लाह हमें अपना घर दे। उसके बाद है मुरादाबाद इंडिया से, वो कह रही है दुआ करना अल्लाह मुझे बेटा दे। उसके बाद है रूहा, वो कह रही है मेरे लिए अम्मी जी और फातिमा से दुआ करवाना कि मेरा रिजल्ट अच्छा आए, फर्स्ट पोजीशन आए। उसके बाद एक और सिस्टर है फरजाना रिजवाना, वो कह रही है अल्लाह पाक मुझे भी खुश रखे, आमीन। उसके बाद एक और सिस्टर है, वो कह रही है मेरी मम्मा के लिए दुआ करना, तबीयत बहुत खराब है, अल्लाह पाक सेहत दे। उसके बाद एक और सिस्टर है, वो कह रही है दुआ में याद रखना। उसके बाद एक और सिस्टर है, वो कह रही है दुआ करना मेरा रिश्ता हो जाए। उसके बाद एक और सिस्टर है, वो कह रही है मेरी तबीयत बहुत खराब है, बहुत बीमार हूँ, मेरे लिए भी दुआ करना अल्लाह पाक मुझे सेहत दे, आमीन। तो अभी सब के नाम शामिल हो गया, अगर फिर भी किसी का रह गया हो तो नाराज मत होइएगा, इस नई वीडियो के नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा, तो कल उनका भी हम नाम शामिल करेंगे। अभी मैं अम्मी जी और फातिमा सबके लिए दुआ करते हैं। चलो फातिमा, हाथ ऐसे करो, हाथ ऐसे करो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या मेरे प्यारे अल्लाह आज मेरी ये दुआ जरूर कबूल करना, तुझे तेरे रब होने का वास्ता, तुझे तेरे करीम होने का वास्ता और तुझे तेरे रहीम होने का वास्ता। ये मेरे बहन भाई जो मेरी दुआ सुन रहे हैं, ये मेरे बहुत ही प्यारे हैं, जिंदगियों को खुशियों से भर दे, इन्हें हर दुख तकलीफ और परेशानी से बचाना, इन्हें हर और बीमारियों से बचाना, इन्हें आगे बढ़ाना और तरक्कियां देना, इन्हें जितनी तेरी जात से उम्मीदें हैं आमीन उससे ज्यादा इनकी मदद फरमाना, इनकी जिंदगियों में उजाले भरना, नसीब अच्छे करना और हर बे औलाद को औलाद देना, आमीन। चलो फातिमा, हाथ ऐसे कर लो, आप सब भी कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिखिएगा, हो सकता है किसी के सबके हमारी दुआ कबूल हो जाए। तो फिर आज की वीडियो यहाँ तक थी, उम्मीद है कि आप सबको अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले व्लॉग के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और हमें भी दुआ में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।